हाय हेलो एंड वेलकम दोस्तों, फ्री साइकिल लैब में आपको स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैं इस घड़ी को बनाया था, तो इस घड़ी में एक प्रॉब्लम निकला कि ये कुछ टाइम बाद अपने आप ऑफ हो जा रहा था। ठीक है, तो इसको ऑन रखने के लिए एक तरीका मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इस वीडियो का पार्ट टू बना रहा हूँ। अगर आप पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट वन को देख लीजिए, आई बटन के आपको लिंक मिल जाएगा। तो पार्ट वन को देखने के बाद ये पार्ट टू को आप देखेंगे। तो पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको हमेशा ऑन रखेंगे और इसका जो पावर सप्लाई वो कैसे देंगे। तो इसके लिए एक 3 वोल्ट का पावर सप्लाई चाहिए, तो वो आज बनाना सिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों 3 वोल्ट का पावर सप्लाई बनाने के लिए आपको सबसे इजी तरीका मिलेगा एक जेनर डायोड से। एक आप 3 वोल्ट का जेनर डायोड ले लीजिए, साथ में एक रेजिस्टर ले लीजिए और इस सर्किट को यूज करके आप बहुत ही आसानी से आपका 3 वोल्ट का पावर सप्लाई बना पाएंगे। तो दोस्तों 3 वोल्ट का जेनर डायोड हर किसी के पास नहीं होता है, ठीक है, और ये मिलना भी काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है कुछ कुछ केस में। तो आज आपके लिए मैं एक ऐसा तरीका बताऊँगा जो आप सोच के बहुत सरप्राइज होंगे। तो आइए देख लेते हैं वो क्या है। तो मैं इस जेनर डायोड को रिप्लेस करूंगा एक एलईडी से। हाँ, एक एलईडी से मैं ये जेनर डायोड को रिप्लेस कर दूंगा। इस सर्किट में आप जेनर डायोड के बदले में एलईडी लगा दीजिए और ये आपका काम हो जाएगा। तो एलईडी के पीछे जो बेसिकली थ्योरी है वो ये है कि एलईडी को आप एक रेजिस्टर से लगाते हैं और उसको ऑन करते हैं। तो ऑन करने के बाद एलईडी का जो दो लेग है इसके बीच में एक वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो वोल्टेज है 2.94, ठीक है, मतलब 3 वोल्ट के आसपास। इस सर्किट में मैं एक एलईडी को लगाया और साथ में एक 1 किलो ओम का रेजिस्टर लगाया और एक 220 ओम का रेजिस्टर को छोड़ के रखा है। तो उसको एक बार लगा के एक आपको टेस्ट दिखाएंगे ऐसे लगाकर, ठीक है। तो फिलहाल मेरा ये एलईडी चल रहा है 1 किलो ओम रेजिस्टर से और एक 9 वोल्ट बैटरी का पावर सप्लाई से, ठीक है। तो अब हम इस रेजिस्टर को यहाँ पर लगाएंगे तो इसका वोल्टेज कैसे चेंज होता है देखिए। बहुत ही थोड़ा चेंज हुआ, 3.2 हुआ, ठीक है, 2.93 से 3.23 हुआ। तो ये एलईडी बेसिकली ये वोल्टेज को रेगुलेट कर रहा है 3 वोल्ट के आसपास। आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस घटाएंगे तो एलईडी ब्राइटनेस बढ़ रहा है और ये इसका वोल्टेज को 3 वोल्ट में एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। चाहे आप जितना भी रेजिस्टेंस चेंज कर लो, जब तक ये एलईडी सही सलामत है तब तक ये इसका जो पिन का वोल्टेज उसको 3 वोल्ट के आसपास रखेगा, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रिंसिपल को यूज करके हम ये एक वोल्टेज रेगुलेटर बनाएंगे आज, ठीक है। तो वो रेगुलेटर हमारा ये क्लॉक में काम में आएगा। तो बना लेते हैं सर्किट, बहुत ही ईजी सर्किट है। एक बैटरी, एक रजिस्टर और एक एलईडी। बेसिकली आप जैसे एलईडी को कनेक्ट करते हैं सर्किट में ऐसे आपका सर्किट होगा। तो ये बन गया हमारा 3 वोल्ट का रेगुलेटर, बस दो कंपोनेंट, एक एलईडी और एक रेजिस्टर। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि एलईडी का कलर के ऊपर उसका वोल्टेज डिपेंड करता है। अगर ये आप रेड कलर का एलईडी लगाते हैं तो उसका वोल्टेज 2 वोल्ट के आसपास होता है, तो वो काम नहीं करेगा, बिकॉज ये हमारा जो क्लॉक है ये 3 वोल्ट का क्लॉक है, ठीक है। तो इसलिए आपको व्हाइट या फिर ग्रीन कलर या फिर ये ब्लू कलर का एलईडी लगाना पड़ेगा। तो व्हाइट, ग्रीन और ब्लू, इस 3 कलर का एलईडी का फॉरवर्ड वोल्टेज होता है 3.2 वोल्ट, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं ये हमारा एलईडी क्लॉक कैसे काम कर रहा है इस पावर सप्लाई से। तो इसका जो प्लस लेग को प्लस में जोड़ूंगा और माइनस लेग को माइनस में। देख सकते हैं हमारा एलईडी क्लॉक ऑन हो चुका है, ठीक है। देखिए क्लॉक बहुत अच्छे से चल रहा है, तो मतलब हमारा पावर सप्लाई जो है ये ठीक से काम कर रहा है, 3 वोल्ट का पावर सप्लाई। तो देख लेते हैं इसमें कितना वोल्टेज है, 3.17। तो ऐसे आप इस क्लॉक के लिए एक पावर सप्लाई बना पाएंगे, ठीक है। तो ये एलईडी आपका हमेशा ऑन रहेगा और ये इसका वोल्टेज को रेगुलेट करता रहेगा। जेनर डायोड के बदले में मैं ये एलईडी को लगाऊंगा, ठीक है। दोस्तों इस सर्किट में मैं एक और एलईडी को लगाया जो कि है पीएम नोटिस करेगा, ठीक है। एएम होने पर ये एलईडी ऑफ रहेगी, तभी ये हमारा क्लॉक पीएम में चला जाएगा तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी। तो इसका प्लस जाएगा कनेक्शन 3 में,
मैं इसमें पीएम लिख देता हूँ, और जो इससे माइनस जाएगा कनेक्शन 10 में, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारा पीएम का एलईडी है, ये जब हमारा एएम घड़ी में एएम चल रहा होता है तब ये ऑफ रहता है, और ओनली एनिमेशन के टाइम पे चलता है। देखिए एनिमेशन के टाइम पे ये चलेगा और बाकी सब टाइम ऑफ रहेगा जब एएम पे है। जब पीएम पे है तो ये हमेशा ऑन रहती है, और एनिमेशन के टाइम पे एक बार ब्लिंक करता है। देखिए एनिमेशन आ गया, ये ब्लिंक किया, ठीक है। देखिए ये एलईडी जलने पर ये प्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये एलईडी जलने पर प्रेस कर देंगे तो ये इसका जो क्लॉक है ये हमेशा ऑन रहेगी। देखिए जल गया, प्रेस कर दिया, ठीक है, ये ऑन रहता है हमेशा। फिर से देखिए एलईडी जल गया और प्रेस कर दिया। इस स्विच के साथ इसको एक एलडीआर लगा के कपल कर देंगे, ठीक है। तो ये एलडीआर को ऐसे इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर एलडीआर को ऐसे लगाएंगे और इसको ब्लैक टेप से कवर कर देंगे, ठीक है। बाकी इस जो एलडीआर का दो लेग है, ये दो लेग को स्विच के दो लेग के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ऐसे ये एलडीआर को ऐसे इसमें लगा कर क्या होगा, ये एलईडी जलने पर ये एलडीआर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और इसका जो दो लेग ये स्विच के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये एलईडी जलने पर ये एलडीआर स्विच को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा ये क्लॉक को लगेगा कि ये बटन को ये प्रेस कर रहा है, ठीक है। तो कर लेते हैं, देख लेते हैं ये होता है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने ये एलडीआर को इस स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया, और इस एलडीआर और एलईडी को एक ब्लैक टेप के अंदर लगा दिया, ठीक है, इसके ऊपर ब्लैक टेप लगा दिया ताकि बाहर की जो लाइट है वो इस एलडीआर को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। और अभी इसको टेस्ट करेंगे। तो देखिए ये मेरा डिवाइस ऑन हो चुका है, अब जब भी ये इसका एनिमेशन आएगी तो ये फिर से ऑन हो जाएगी। देखिए एनिमेशन आ गया और फिर से ऑन, तो ऐसे ये हमेशा ऑन रहेगी, है ना, फिर से ऑन हो जा रहा है। फिर से देखिए, ओके। और इसमें एक प्रॉब्लम फिर भी रह गया, जो हमारा पीएम के टाइम होता है। एनिमेशन आया, फिर से ऑन हुआ और ये चलाया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ जाता है, तो इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व नहीं कर पाया। तो आपके पास सोल्यूशन मिले तो बताना जरूर कमेंट में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मुझे आ रहा है, देखिए इसका वजह है कि ये एलईडी ऑफ होके फिर से ऑन हो रहा है। देखिए ये जो एलईडी है, एक बार के लिए ये ऑफ हो रहा है पीएम में और फिर से ऑन हो जा रहा है। तो देखिए ये पीएम होने पर क्या होता है, तो जब ये एनिमेशन आता है एक बार क्लिक किया फिर से ऑन होके रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये स्विच प्रेस होके रह जाता है जब ये एलडीआर के अंदर इसको लगा रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आता है, देखिए ये ऑन हो रहा है, ऑन होके रह जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस सर्किट को लग रहा है कि ये बटन को किसी ने प्रेस करके रखा है, ठीक है। आपको अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल का कंटेंट को देखिए। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि अगला अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू।